लीडर्स। 15 रोडीज छिपाए थे और क्लू मिले 16। ओह 16 मतलब कान। तभी पराक्रम स्ट्रेस हो गया था। So I was very happy कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि गौतम अभी सदमे से निकला नहीं है, तो अभी क्या होगा इसके साथ। 16 मतलब कान। तीनों टॉप रोडीज को एक ऑप्शन मिला था, 2 वोट आउट्स के लिए इम्यूनिटी। सो कांग्रेचुलेशंस पराक्रम, आप अगले 2 वोट आउट्स के लिए इम्यून हो। इम्यूनिटी आपको मिल गई है, वेल डन। अभी वो अनुलभ जो है इसमें है कांड की कीमत। आज के कांड की कीमत है अपने नए गैंग में से एक रोडी को स्वॉप करना। बट कौन स्वॉप करेगा और कौन स्वॉप होगा, ये मैं नहीं वो डिसाइड करेगा, जो दूसरे 2 गैंग लीडर्स में से ज्यादा रोडियम्स लेकर बैठा हुआ है। और वो कौन है? और गौतम को लगा कि रिया के सबसे ज्यादा रोडियम्स हैं, और कहा ये कि अब तो मेरे गैंग में ही आ जाएगा, बच जाएंगे। फिर मैंने बोला ऊपर वाला बैठा है, उस दिन रोडियम सबसे ज्यादा मेरे पास थे। वो है प्रिंस। मतलब प्रिंस, प्रिंस के पास है ज्यादा। Yes. कल खर्चा है ना। थैंक गॉड ऋषभ तुझे नहीं मिला। आई वॉज रियली हैप्पी। वेरी गुड पराक्रम, ले जा बेटा ले जा। सो आप प्रिंस गौतम के गैंग में से एक रोडी लेकर जा सकते हो अपने गैंग में, और फिर आप अपने गैंग में से कोई भी एक रोडी को वापस गौतम के गैंग में दे दोगे, और एक ही रोल है, लड़की के लिए लड़की, लड़के के लिए लड़का। पहले आप ये डिसाइड करोगे कि गौतम के गैंग में से किसको ले रहे हो। मैं पीहू को लूंगा। ओह फक, अब पीहू मेरे गैंग में आने वाली है। व्हाई पीहू ब्रो? प्रियंका गुप्ता कुड बी अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर मी पर्सनली, एंड मुझे इतना वेलकमिंग नहीं लगा उनके गैंग में उस वक्त जब स्वॉप हुआ उनकी साइड से। रादर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, उन्होंने मेरे को कंग्रेचुलेट भी नहीं किया आने पे। पूरा उल्टा हो गया, पीयू आ गई। मैं बोली थी अभी तो तांडव होने वाला है हमारे गैंग में। पीयू और प्रियंका साथ में आ गई है बॉस। ओ हाँ, ये तो सोचा ही नहीं था बॉस। पीयू रोडी जीतने आई है ना तू? हाँ जी सर, ऑफ कोर्स। कोई फर्क पड़ता है? नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। तेरे को याद है जब ऑडिशन चल रहे थे, तू थी, प्रियंका गुप्ता थी, और आज जब हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, आज तू है, प्रियंका गुप्ता है, और साथ में अब तक एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रहे थे, अब एक दूसरे के साथ खेलना है। गौतम जी, एक इम्पॉर्टेंट और एक पावरफुल और एक मजबूत रोडी जो आपके गैंग में से उस गैंग में गई, आपको क्या लगता है? मेरी फेवरेट पीयू को उसने ले लिया, तो वहाँ पे मेरी टीम जो कि मैं जिसे मैं बोलता था कि मैंने एक आर्मी बनाई थी, वो आर्मी आर्मी लगी नहीं रही थी। मैं अगर चाहता मैं वहाँ भी गेम खेल देता, मैं सचिन को ले लेता और उसके गैंग में सिर्फ एक लड़का रह जाता, क्योंकि जोगिंदर पे वो खुद विश्वास नहीं करता था। पराक्रम एक रह जाता तो मुझे उसके लिए उसको हराना बहुत इजी होता, पर मैंने फिर भी वैसा नहीं किया क्योंकि मैं अनफेयर गेम नहीं खेलता। मैंने बोला नहीं, वो बहुत अनफेयर हो जाएगा, उसको एक लड़का रह जाएगा, अभी जर्नी आधी से ज़्यादा बाकी पड़ी है। बट मुझे ऐसा लगता है गेम इतनी चेंज नहीं होनी चाहिए कि पूरी मेरे जो दिल से कनेक्टेड रोडीज हैं वो चले जाएँ दूसरी टीम में। बाकी आपकी मर्जी है, आई कैन स्टिल प्ले विद देम, आई विल ट्राई माय बेस्ट। आप गौतम, अभी भी आपका गैंग बड़ा तगड़ा है, आप तगड़ा ही खेलोगे। आई विल मेक श्योर दे आर डूइंग गुड। जहाँ मेरे 5 फेवरेट थे, 5 में से रह गए सिर्फ एक, जो कि सिर्फ रहा पराक्रम। दैट वाज काइंड ऑफ सैड।